फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आप अपने देख सकते हो व्यूज़, लाइक, फॉलोअर सब चीज़ इंक्रीज़ हो रहा है। और कुछ इसी तरीके से अगर आप भी अपने रील्स को वायरल करना चाहते हो तो आज की वीडियो को लास्ट तक देखना है। और अगर आपका वीडियो वायरल नहीं हुआ तो भाई मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपकी रील्स को वायरल करूँगा, बट वो आपको लास्ट में पता लगेगा कि मैं कैसे वायरल करूँगा आपकी रील्स को, ठीक है। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक सेटिंग और एक ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आपका रील्स वायरल होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। और ये चीज़ मैं जब भी बता रहा हूँ जब मेरा रील वायरल हुआ है, आप यहाँ पे प्रूफ भी देख सकते हो, ये देखो और ये भी देखो और ये भी देखो और ये भी देखो। भाई मेरा यहाँ पे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि काफ़ी सारे वीडियोस वायरल हुए हैं। और जब भी मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने भाई का नाम भी जान लीजिए। मेरा नाम है सिंधु त्रिपाठी और आपका स्वागत है सिमरनीस यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपका भाई आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्टोरी लेके आता रहता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं अपनी हर यूट्यूब वीडियो के अंदर बोलता हूँ कि अगर आपको अपना रील को वायर करना है तो आपको क्वालिटी इंप्रूव करना पड़ेगा। बट काफ़ी सारे लोग बोलते हैं भाई जितना हमारा फोन का क्वालिटी है उतना ही तो वीडियो जाएगा। भाई ऐसा नहीं होता है, कुछ सेटिंग होती है, आप उनको ऑन कर लीजिए तो आपको क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगा। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बकवास नहीं करूँगा, डायरेक्टली मैं आपको लेकर चलूँगा। यहाँ पे देख सकते हो मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम को ओपन कर लेता हूँ एंड यहाँ पे मैंने एक रील वीडियो सेलेक्ट कर लिया है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको नीचे के साइड स्क्रॉल करना पड़ेगा, ठीक है, नीचे के साइड स्क्रॉल करना पड़ेगा। और कौन सी सेटिंग को आपको ऑन करना है जिससे क्या हाई क्वालिटी हो जाएगा वो चीज़ समझ लीजिए। तो यहाँ पे आपको एडवांस सेटिंग का एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, सिंपली से आपको इस पर क्लिक करना है। ये अभी न्यू अपडेट आया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हाई क्वालिटी मीडिया अपलोड का एक ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। अभी ये मेरा ऑप्शन ऑफ जो कि ऑफ है, इसको मैं ऑन कर देता हूँ। और ऑन करने के बाद आपको सिंपली से अपनी रील्स को अपलोड करना है। अब इसके बाद जब आप अपनी रील को अपलोड करते हो तो क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगा। और ये चीज़ आपको पता होगा, जितना आपका क्वालिटी इंप्रूव हो जाता है, जितना क्वालिटी अच्छा रहता है, उतना ही इंस्टाग्राम आपकी रील्स को बूस्ट करता है। एंड मैं आपको एक टिप बताने वाला हूँ जिससे आपका जो रील्स है वो 100% वायरल होने लग जाएगा। बट जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ उसको तो यूज़ करना ही है। और उसके साथ जो मैंने आपको बोला था कि आपको 100 से ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड करनी है उसके बाद ही आपका रील्स वायरल होगा, वो चीज़ भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक साउंड देख लेता हूँ जो यहाँ पे ट्रेंडिंग साउंड है, ठीक है। ट्रेंडिंग साउंड तो आपको यूज़ करना ही करना है, बट उसके साथ आपको कुछ चीज़ों का और ध्यान रखना है, वो मैं बताने वाला हूँ उस वीडियो के अंदर। क्योंकि काफ़ी सारे लोग यहाँ पे ट्रेंडिंग साउंड यूज़ करते हैं बट उनका रील्स वायरल नहीं होता। तो आप यहाँ देख सकते हो, मैं साउंड के अंदर आया तो आप यहाँ देख सकते हो जो साउंड है वो यहाँ पे 11 से 12 सेकंड का है, ठीक है। अब आपको मैंने बताया था कि अगर आप यहाँ पे जो साउंड है वो जितना छोटा रहता है उतना ज़्यादा वीडियो वायरल होने के चांसेस रहते हैं। अब आप बोलोगे भाई यहाँ पे 12 सेकंड का साउंड है, अब इसको कितना छोटा करें, तो भाई इसको आप 6 सेकंड कर दो। आपको पता होगा जो खुद के साउंड पर वीडियो बनाते हैं तो वो यहाँ पे अपने जो कि उनका वॉइस रहता है उसके पीछे यहाँ पे एक बैकग्राउंड म्यूजिक लगा के रखते हैं जो कि शायरी खत्म होने के बाद थोड़ा लाउड हो जाता है, तो वो आपको कट कर देना है, ठीक है। जो आपका शायरी है सिर्फ वो रहना चाहिए और जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो आपको कट कर देना है। जैसे कि मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ, जो मेरी एक वीडियो है जिसपे 150,000 से ज़्यादा व्यूज़ आया था, वो वीडियो पे व्यूज़ इसीलिए आया था क्योंकि मैंने इसको ट्रिक को यूज़ किया था। जैसे आप देख सकते हो ये मेरी वीडियो है, इसके अंदर बहुत अच्छे खासे लाइक भी आए हुए हैं, बहुत अच्छे खासे व्यूज़ भी आए थे। इस वीडियो के अंदर इतने अच्छे खासे व्यूज़ इसीलिए आए थे क्योंकि जो इसका साउंड है वो मैंने सिर्फ 5 से 6 सेकंड रखा, जिससे जो कि ऑडियंस रिटेंशन है वो बढ़ गया एंड मेरा रील्स वीडियो वायरल हो गया। और यार यही ट्रिक मैंने यूज़ करके काफ़ी सारी वीडियोज़ को वायरल किया है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया भी था। तो बस फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, आज मैं ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा। तो अगर आज का वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और अगर आप अपने इंस्टाग्राम रील्स वीडियो से पैसा कमाना चाहते हो तो आप ये वाला वीडियो को लेकर करके देख सकते हो। और अगर आप इंस्टाग्राम से पैसा कमाना चाहते हो तो आप ये वाला वीडियो को लेकर देख सकते हो। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं कभी किसी और पे, जब तक के लिए जय हिंद जय।